उस प्रदेश के ही मुख्यमंत्री जिसने यह कानून बनाया उसके गठबंधन से एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ता है जो कि शराब के फर्जी व्यवसाय में आबकारी चोरी में संलग्न है, संलग्न है। और इसको लेकर के जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं बिहार सरकार के ऊपर। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, गोपालगंज और मोकामा। गोपालगंज के जो महागठबंधन के प्रत्याशी है उसके ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं गोपालगंज से उनके ऊपर कई तरह के आरोप है। शराब में कितने जो लोग हैं उन पर कार्रवाई हुई है, तो जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग जिस तरीके से उम्मीदवार खड़ा किए हैं तो नकली कागज बनाकर लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जो है कई आवेदन दिए हैं चुनाव आयोग को। अब उन्होंने कहा कि एक बार लगातार हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं और आज उन्होंने उच्च न्यायालय में जाकर याचिका दायर की है। संजय जायसवाल किस तरीके से महागठबंधन के गोपालगंज के जो प्रत्याशी हैं मोहन गुप्ता उनके ऊपर क्या कुछ कह रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है और उच्च न्यायालय में जाकर उन्होंने आज उनके खिलाफ याचिका भी दायर की है, क्या कुछ कह रहे संजय जायसवाल, सुनवाते हैं उस बयान को। पूरे मामले को देखा है, आज भी आरओसी में उन्हीं का नाम है। एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि वह कंपनी से इस्तीफा दे चुके हैं। इस तरह की बातें केवल अफवाह होती हैं। आपका कोई भी कंपनी से नाम तब हटता है जब आप आरओसी में अपना नाम हटाते हैं। यह दुनिया के हर जगह सत्य है। आप सरकारी नौकरी में आप इस्तीफा दे दीजिएगा तो जब तक आपका इस्तीफा कबूल नहीं किया जाता तब तक नहीं माना जाता है। तो यह एक शैडो बनाया जा रहा है, फर्जी पेपर फिर दिया जा रहा है। आज भी आरओसी में उन्हीं का नाम है, आज भी डायरेक्टर के डीआई डिन में उन्हीं का नाम है। और इसलिए मैं माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि इस रिट पिटीशन को शीघ्र संज्ञान में लिया जाए। बिहार के 3.5 लाख नागरिक शराब पीने के आरोप में जेल में बंद हो चुके हैं और जिस प्रदेश में 3.5 लाख नागरिक जेल में बंद हुए हों उस प्रदेश के ही मुख्यमंत्री जिसने यह कानून बनाया उसके गठबंधन से एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ता है जो कि शराब के फर्जी व्यवसाय में आबकारी चोरी में संलग्न है। और इसको लेकर के जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं बिहार सरकार के ऊपर। दूसरे तरफ हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है चुनाव आयोग पर भी, या जो नगर निगम का चुनाव था उसमें भी हाई कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की थी चुनाव आयोग पर, निर्वाचन आयोग पर। आज भी हाई कोर्ट की किसी भी बात का पालन बिहार सरकार नहीं कर रही है, ना निर्वाचन आयोग। आज हम पहले चुनाव आयोग ही गए थे पर हमें इंसाफ नहीं मिला, इसलिए हम हाई कोर्ट में आज रिट डाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कल माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस तरह की जो अनर्गल कार्य करके जनता के नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और वह भी एक ऐसे मुद्दे पर किया जा रहा है जिस पर आप खुद यहाँ के मुख्यमंत्री ने 3.5 लाख लोगों को कानून बना के जेल भेजा हो और तब उसके पार्टी के समर्थन से कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हो जो कि आबकारी घोटाले में संलिप्त हो, यह बहुत दुखद है। मुझे पूरा विश्वास है कि कल हाईकोर्ट अवश्य इस पर संज्ञान लेगा, तुरंत इस पर बहस होनी चाहिए जिससे कि गोपालगंज के नागरिकों के अधिकार में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आए। यही हमारा अनुरोध, भारतीय जनता पार्टी का अनुरोध है और हम इसलिए अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि हमें चुनाव आयोग से न्याय नहीं मिला है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हाईकोर्ट इस पर जरूर संज्ञान लेकर तुरंत ही इस पर बहस करा के सारे सबूत हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उसको हाईकोर्ट को देंगे। मुझे शाम को चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, मैं चुनाव प्रक्रिया के बारे में एक शब्द न मेरा बोलना उचित है
और ना आपका पूछना उचित है। सुप्रीम मोदी ने दावा किया था कि चुनाव और आरजेडी का विलय होने वाला और भयंकर मसले, यह तो सभी को मालूम है जेडीयू और आरजेडी का विलय होने वाला है, यह कोई एक ऐसी सच्चाई है जिसको हर कोई जानता है, इसमें नई बात क्या है। खुद जब राष्ट्रीय जनता दल का सम्मेलन हुआ तो अपना चुनाव चिन्ह बदलने का, पार्टी का नाम बदलने का पावर दे दिया गया। उसके बाद अब 8 दिसंबर को जो जदयू का हो रहा है तो चुनाव से पहले ही इन्होंने अपना नारा भी बदल दिया। अपना नारा अब उन्होंने कर दिया सामाजिक न्याय के साथ विकास, जो कि राजद का नारा रहा है, जो राजद का तो नारा भी वह उठा चुके हैं, नेता भी उठा चुके हैं। नीतीश जी आदेश भी दे चुके हैं कि सभी को, अब कल ही आप सबों के सामने सार्वजनिक रूप से उन्होंने आदेश दे दिया कि अब सभी को तेजस्वी जी के पीछे चलना है। तो यह कोई ऐसी छुपी बात नहीं है जिस पर बहस हो। क्या चीज बहुत सारे पूरे जदयू के हर वह कार्यकर्ता हम लोगों के संपर्क में है जिस बेचारे ने लालू जी के खिलाफ लाठियां खाई हैं, जिस बेचारे के परिवार को गोली मारा गया। एक कबड्डी का खेल होता है उसी जिसमें कि एक प्लेयर एकदम लाइन पर खड़ा रहता है और हमेशा धमकाते रहता है कि अब हमको खेलने दो और नहीं तो हम दो लाइन क्रॉस कर जाएंगे, तुम आउट हो जाओगे। तो कुछ राजनीतिक में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा लाइन पर खड़े रहते हैं, जिसके अपने ही टीम को धमकाते रहते हैं कि अगर कोई दूसरा लीड किया तो मैं भी पार कर जाऊंगा, पूरी टीम ही आउट हो जाएगी। 5 बजे शाम को सारा चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। अगर किसी ने भी, मुख्यमंत्री का भी अगर कोई प्रचार हो रहा है या किसी का भी प्रचार हो रहा है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर के, चाहे वह मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।